आज की हमारी जर्नी रहने वाली है इस 400 करोड़ के वॉल्वो डबल डेकर में, चल रही है राजधानी से भी तेज 135 किलोमीटर पर आवर पे। इतना ज्यादा फेयर पे कर रहे हो, आपको लंच स्नैक्स ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल रहा है। इसके आगे शायद हरियाणा रोडवेज भी फेल है। यस यस यस। हाँ, एमिनिटीज में आपके लिए वाटर बॉटल, स्नैक बॉक्स, ब्लैंकेट, पिलो सब कुछ रहता है। फ्रॉम जोजगा टू जाकार्ता, इंडोनेशिया की सबसे फास्टेस्ट बस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देवियों सजो नमस्कार, हेलो आपा काबा, इंडोनेशिया सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। यस यस यस। अभी जी इंडोनेशिया साइड, दैट साइड। इंडोनेशिया सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। इंडिया में मैंने आपको वॉल्वो की बहुत सारी बसें देखा है, वॉल्वो B7R, वॉल्वो B8R, वॉल्वो B9R, वॉल्वो B11R, वॉल्वो 9600, फिर वॉल्वो लो फ्लोर, अब बारी है वॉल्वो डबल डेकर की। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं वॉल्वो के बिजनेस क्लास डबल डेकर में। लास्ट वाले व्लॉग में मैं आया था ट्रेन जर्नी करके फ्रॉम सूराबाया टू योगा करता को जो है जोगजा भी बोलते हैं, तो वहीं से आज हम जाकार्ता वापस जाएंगे। एंड इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता तक डिस्टेंस है यहाँ से 600 किलोमीटर, तो लगभग पूरा दिन लगेगा हमें सफ़र करने में, मे बी यू नो 11 और 12 आवर्स। सुबह के अभी बज रहे हैं 6:21। फिलहाल मैं आ चुका हूँ गीगावन टर्मिनल में, दिस इज़ दी गीगावन टर्मिनल। पहले मैं जो है सूटकेस लेके अंदर जा रहा था, फिर मेरे पीछे कोई भागते आई, सौमित सौमित सौमित, मुझे लगा कि कौन होगी, मतलब सब्सक्राइबर हो सकती है। फिर पता चला कि नहीं, जो बस की स्टाफ है वो है, उन्होंने बोला कि अंदर बस नहीं आएगी क्योंकि बस की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहीं से आपको सस्पेंस मिलना चालू हो रहा है कि बस कैसी होने वाली है। बाकी योगा करता को मैं एंजॉय ठीक से नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। वीज़ा ऑन अराइवल जब लगता है ना, तब अगर चीप फ्लाइट्स मिल जाए तो ही इंडोनेशिया आना पॉसिबल है। अभी देखिए, अभी टाइम हो रहा है 6:25 इन द मॉर्निंग। यहाँ से मेरा पिकअप 6:30 बजे का था, एंड मेरे होटल से नज़दीक एक पॉइंट था, वहाँ पर टाइम था सुबह 7 बजे, दैट वॉज टर्मिनल जॉम्बोर। तो वहाँ से मैं नहीं उठा, मुझे लगा कि तब तक बस फुल हो जाएगी, पूरी सिटी से पिकअप करते करते जाएंगे तो, आज ऊपर से मंडे है तो बस फुल हो जाएगी, मैं अच्छे से वीडियो नहीं कर पाऊँगा, वो चीज़ नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि बस खड़ी हो और मैं अच्छे से वीडियो करूँ, मगर यहाँ पे इतने दूर आके भी वो नहीं हो रहा। खैर, लेट्स सी हाउ द जर्नी इज़, बस का वेट करते हैं। आज हम जाएंगे वैसे यहाँ की 6-लेन हाईवे से, एक हाईवे बेसिकली जो कि वेस्ट और ईस्ट जावा को कनेक्ट करता है, एक बड़ा हाईवे है, उसी से जाएंगे। एंड लास्ट डे जब स्कैनिया में जा रहे थे ना, वो जो जुरुगन वाली थी उसकी स्पीड थी 115 के आसपास, तो आज देखते हैं आज किस स्पीड से अपन चलते हैं। बाकी आज हम ट्रैवल करने वाले हैं यूनिकॉर्न इंदोरेन से इस रूट पे, यानी जोजगा जाकार्ता रूट पे, ये काफ़ी रिलायबल ऑपरेटर है। ये है वैसे बस टर्मिनस, देखिए कोई तो बस जा रही है अंदर। यहाँ पे ना ये हाईटेक बसेस बहुत है, बट इनसे वीडियो अच्छी नहीं हो पा रही, इसलिए मैं इनको अवॉइड ही कर रहा हूँ। एंड सच बताऊँ तो ऐसा रोड साइड पिकअप होता, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं बाद में ही चढ़ता जॉम्बोर से। जो मेरे बस फैन दोस्त हैं जो यहाँ वहाँ की बसेस देखते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वरना मेरे लिए तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता इतने दूर आना। इन द मीन टाइम यहाँ की सिटी बसेज देख लो, आई हैव सीन मोस्टली सिटी बसेज ऑफ इसुजू, एंड बॉडी बनाई है लग्जाना ने, ये देखिए लग्जाना की बॉडी है नॉर्मल बस में भी। सो आ रही है अपनी बस। सो दिस इज़ आवर बस टुडे, एंड देख लीजिए यहाँ पे आपको बॉडी देख के थोड़ा फील आ रहा होगा ना कि बॉडी कहीं ना कहीं देखा है। दिस इज़ सेम SR2 डबल डेकर ऑफ लग्जाना जो मैंने बांग्लादेश में दिखाई थी, एंड वो स्कैनिया का था। फ़र्क इतना है कि ये चेसिस से वॉल्वो की है, बॉडी वही सेम कंपनी ने बनाई है। सबसे पहले यहाँ पे सामान रख देंगे,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे यहाँ पे एक लोअर डेक है, यहाँ पे आपके 6 सीट्स हैं, 2 स्लीपर है एंड एक जो है वॉशरूम है। अपना जो है अपर डेक है, ओ माय गॉड काफ़ी बढ़िया लग रही है बस तो। एंड आप देख सकते हैं इसमें सीट्स में जो है टीवी भी लगा है। एमिनिटीज़ यहाँ पे बहुत सारे देते हैं ये लोग, कुछ भी हो जाए, कोई भी बस हो जाए एमिनिटीज़ रहता ही रहता है। मेरी सीट वैसे तो वो है मगर मैं एक बार आपको बस दिखा देता हूँ। सो इसमें आपको मिल जाता है 2x1 का कन्फिगरेशन। एमिनिटीज़ में आपके लिए वाटर बॉटल, स्नैक बॉक्स, ब्लैंकेट, पिलो सब कुछ रहता है। यहाँ पे है वैसे आपके लगेज रैक। अच्छा गाइज अभी अपन निकल गए हैं, पूरा जो है ना आउटर रिंग रोड से पिकअप करते करते जाएंगे। ये है जॉम्बोर एंड यहाँ से फिर हाईवे पकड़ेंगे। टीवी है यहाँ पे, जो फ्रंट रो की टीवी है वो इस पैनल पे है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, इंटरनेट, फिर एयरप्ले जो आईफोन से होगा, ई बुक्स, फोटोज और कंपनी इन्फो। तो इसमें इस कंपनी के बारे में लिखा हुआ है जो भी है इंडोरेंट। पता नहीं मूवीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं चल रही, यहाँ पे जो है नेट भी नहीं चल रहा, क्या फ़ायदा इस डब्बे का। बाकी यहाँ पे इन्होंने स्नैक बॉक्स दिया है, इसमें है बेसिकली कुछ 2 बंस। यहाँ की कोई फेमस बेकरी है हॉलैंड बेकरी, सो चलो ये अच्छा है, बट और आइटम्स दे सकते थे यू नो, कोकोनट वाटर वगैरह। एम ट्रांस में मेरे को बहुत कुछ मिला था एंड ये कुछ नहीं, बेसिकली बन मस्का ही है, बट दिस इज़ रियली रियली गुड। गाइज वी आर अबाउट टू रीच सूराकर्ता एंड यहाँ पे सिस्टम देखिए, यहाँ पे जो है आपके सीट नंबर्स हैं एंड एक क्यूआर कोड है, स्कैन करती भाई साहब यहाँ पे चाय कॉफ़ी की जो है मेनू आ गई। अगर आपको बस के अंदर कुछ चाहिए, जैसे मैंने हॉट मिल्क कॉफ़ी कर दिया, मतलब सोचिए क्यूआर कोड स्कैन करती बस के अंदर का मेनू आ गया, तो ये हॉट मिल्क कॉफ़ी मैंने कर दिया। इतना बढ़िया सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा, हैट्स ऑफ टू यूनिकॉर्न इंडोरेंट। विद इन 2 मिनट्स हमारी जो है यहाँ पे कॉफ़ी आ गई, मतलब अभी तक मैं इस चीज़ को तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि इतना अच्छा सिस्टम कैसे हो सकता है। ये आगे हैं गाइस सूराकर्ता बस टर्मिनस पे एंड ये काफ़ी एवरेज सा है। वो रहा अपना इंडोरेंट का काउंटर, शायद यहाँ से बोर्डिंग वगैरह है। अच्छा तो गाइज़ वेलकम टू ट्रांस जावा हाईवे। बेसिकली एक ऐसा हाईवे है जो कि एकदम ईस्ट जावा आइलैंड से वेस्ट जावा आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है। लंबा हाईवे, इट्स अ 4-लेन हाईवे एंड जगह जगह पे जो जो भी सिटीज़ हैं उनके एग्जिट्स है, जस्ट लाइक हमारे भी एक्सप्रेसवेज में होते हैं। बाकी यहाँ पे आते ही बस की स्पीड 120-130 हो गई, मतलब राजधानी से भी तेज़ बस चल रही है। आई कैन नॉट रियली बिलीव इट, इट इज़ गोइंग 130 प्लस किलोमीटर्स पर आवर। क्या चल रही है भाई साहब, मस्त, एकदम मस्त। सो वी आर क्रॉसिंग द सिटी ऑफ सेमारंग राइट नाउ। मेरा एक्चुअली प्लान था यहाँ पे आने का, बट
बट मुझे लग रहा है कि सेम हाईवे से आऊँगा जाऊँगा, कोई भी ज़्यादा फ़ायदा है नहीं. सो दिस सिटी इज़ गुड, मतलब थोड़ा सा ना पहाड़ी इलाके पे आप आस पास जो है पहाड़ देख सकते हैं. बाकी पता नहीं मेरा दिल प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहा कि मैं एक वॉल्वो में बैठा हूँ जो कि 130 की स्पीड पर चल रही है. हम पीछे कैसे रह गए यार, हमारी कैसे 80-90 पे चलती है आजकल भी. हाईवेज हमने वर्ल्ड क्लास बना दिए, इससे भी अच्छे, बट बस की स्पीड आज भी उतनी है, 80-90-100 भी मैक्सिमम. सो गाइज राइट नाउ द टाइम इज 11:28. हम पहुँचे हैं रेस्ट एरिया ट्रावोम 360B में एंड दिस इज नियर टू द सिटी ऑफ सिजडा. यहाँ पे हमारा हॉल्ट है एंड वापस से मैं बता दूँ लंच इज इंक्लूडेड इन द फेयर. इतना ज़्यादा फेयर पे कर आपको लंच स्नैक्स ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल रहा है. एंड उन्होंने ऑर्डर ले लिया था, जो बस हॉस्टेज थी हमारी उन्होंने ऑर्डर ले लिया था सुबह, ट्रांसलेशन करके दिखाया था. फिर मुझे एक्सेप्ट फॉर चिकन और कुछ नहीं दिखा, बाकी सब बीफ वगैरह ये सब आइटम्स थे. सो रेस्ट अप दिखा देता हूँ. वहाँ पे आपका वॉशरूम है, वनीटा मीन्स वुमेन, प्रिया मीन्स मैन, इतना मैं सीख गया. यहाँ पे पता नहीं कुछ कुछ है यानी यहाँ पे आप बैठ के खाना वाना खा सकते हो. बेसिकली वही है कि लंच में आप क्या खाओगे एंड साथ में ड्रिंक क्या लोगे, तो ड्रिंक मैंने बोला था आइस टी. बाकी जैसे हमारे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे में जो ढाबे होते हैं ना, ढाबे के पास कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए रहता है एकदम, मतलब जो अमीर लोग चलते हैं ना उनके लिए, तो जैसे वहाँ पे एक सेल जोन बना हुआ है ऐसा ही है. तो देखते खाने वाने में क्या है यहाँ पे. सच बताऊँ तो यहाँ पे कुछ भी मैं खा नहीं पाया ज़्यादा, वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, बट यू नो टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं जाता ये मेरे. राइस भी थोड़ी स्टिकी सी थी एंड चिकन भी विथ स्किन था एंड थोड़ा स्मेल कर रहा था, सो आई कुडंट हैव दैट. बाकी वाटरमेलन पापड़ और आइस टी ये तीनों मैंने खा लिए, पी लिए तो ठीक है. बट मैं ये बोलूँगा कि इस खाने से वो सुबह जो उन्होंने बन मस्का और वो चॉकलेट वाला बन दिया था ना, बेसिकली दो दिए थे, एक बन मस्का था और एक चॉकलेट वाला बन था, वो बहुत अच्छा था, लाख गुना अच्छा था. आज मेरे को वही एक पैकेट अभी और मिल जाता तो अच्छा होता, बट खैर मैं बुराई नहीं करूँगा. इट इज़ जस्ट दैट दैट फूड डजेंट सूट्स माई टेस्ट, इट इज़ नॉट दैट द फूड इज़ बैड. सो यही है यहाँ पे कुछ आई थिंक यू नो मतलब खरीद के खाने का भी नहीं है जितना मेरे को दिखा. एंड यहाँ पे सिस्टम पता है क्या है, आपका सीट नंबर ऑलरेडी टेबल पे लिखा हुआ रहेगा कि 1A और आपका जो ऑर्डर खाना है वो ऑलरेडी टेबल पे रहेगा, मतलब आपको बस से उतर के सीधा टेबल पे आना है. सो इट इज़ सेविंग सम टाइम. बाकी सिस्टम भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यू नो मतलब अगर मान लो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या ग्रुप ऑफ फैमिली साथ में ट्रैवल करें उनका क्या होगा, मान लो दो लोग कहीं बैठे हैं दो लोग पीछे बैठे हैं तो उनको अलग टेबल लेनी पड़ेगी. बट खैर नया कुछ सीखने को मिला, टाइम बचाने के तरीके हो सकते हैं कि आप ढाबे में क्या खाओगे, आपका सीट नंबर वहाँ पे मार्क रहेगा, आप सीधा उठ के उसी टेबल पे जाओगे. कहाँ की बस कैसी है, कहाँ पे क्या सिस्टम है, ये सब पता लग रहा है. बट पर्सनली आई वुड से कि जो वो बूफे वाला सिस्टम है ना जो मुझे एम ट्रांस ने जुरुगन ने दिया था, दैट इज़ फार फार बेटर. आई कैन सी वॉट इज़ देयर इन द मेनू एंड आई कैन टेक, और जितना चाहे उतना ले सकता हूँ, वो भी अच्छी बात है. सो दैट थिंग इज़ गुड, बट ये जो चीज़ है ना मेरे को ये अच्छी नहीं लगी. मतलब बेसिकली आप जस्ट आइटम का नाम बता रहे हो और यू नो ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी,
तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला, जस्ट मतलब सिर्फ चिकन देखा तो वही ऑर्डर कर दिया। वैसे इस बस का जो प्राइस है दैट इज 350 करोड़ इंडोनेशियन रुपीज, इंडियन रुपीज में वही आएगा अपना 2-3 करोड़ के आसपास, क्योंकि बांग्लादेश में जो लगजाना बन के आई है वो भी 3-3.5 करोड़ तक बन गई है, तो ये भी उतनी होगी वहाँ पे, तो चलो इम्पोर्ट कॉस्ट वगैरह भी है। एंड वंस अगेन आई वुड से कि जो भी स्पीड के मामले में मैंने बताया वो सही है एक तरह से। आप सोच सकते हैं कि हाईवेज आज हमारे इंडिया में इतनी अच्छी हो रही है मगर बस की स्पीड उतनी है। वॉल्वो इतना अच्छा बस बना रहे, 9600 दे रहे, आई नो फ्यूल इशूज़ है, एंड ऑफ द डे सबको तेल बचाना है, मगर 80 इज़ नॉट अ स्पीड। आज आप देख ही रहे हैं कि स्पीड पे बस चल रही है। बस का एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं खाया, तो एक काम तो करता हूँ। नीचे वाली जो सीट्स है ना वो काफ़ी अच्छी हैं। मुझे एक्चुअली नीचे की सीट्स नहीं मिली, स्लीपर नहीं मिली, इसलिए सीधा ऊपर लेना पड़ा, वो भी सिंगल सीट नहीं मिला। टायर जो है आपके मिचेलिन के है, वॉल्वो B11R की चेसी है, लगजाना की बॉडी है, पीछे जो है आप एयर कंडीशन इंजन देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है दो दरवाजे हैं, सामने वाला क्रू के लिए है, पीछे वाला पैसेंजर्स के लिए। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज लिख दूंगा स्क्रीन पे। अच्छा एक बारी लेट मी शो यू द ड्राइवर कैबिन, वो कुछ इस तरह सा है। एंड यहाँ पे भी आप वही सेम वॉल्वो की डैशबोर्ड देख सकते हैं जो हमारे वॉल्वो B11R में होती है। यहाँ पे स्विचेस का कुछ फ़र्क है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। एंड दिस इज आई शिफ्ट। अल्टीमेटली जो है अपन ढाबे पे 40 मिनट रुक के ही निकले, मुझे पता नहीं क्या फ़ायदा हुआ सबका खाना जो है टेबल पे रख के, क्योंकि मुझे ये सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि आप पहले ऑर्डर ले लो और बाद में खाना रख दो। इससे माइट भी खाना आपको गर्म भी ना मिले और मे भी यू नो कभी भी आपका मन बदल सकता है कि आप क्या खाओगे क्या नहीं। यहाँ पे जो है हम बैक टू बैक ओवरटेक्स कर रहे हैं, एक भी गाड़ी को हम आज बख्श नहीं रहे क्योंकि हम चल रहे भैया इंडोनेशिया की फास्टेस्ट बस में।
प्यारे बस फैंस है, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं काफ़ी देर बैठा रहा कैबिन में। एक्चुअली कैबिन प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, मतलब आधा ही साइज है, तो मेरे को काफ़ी मुश्किल हुआ, घुटने में जो है काफ़ी दर्द हो रहा है, बट फिर भी मैंने एक लंबा कैबिन राइड लिया क्योंकि ड्राइविंग वॉज रियली रियली गुड। एक भी लेन चेंज विदाउट इंडिकेटर नहीं हुआ, जहाँ जहाँ पे डाइवर्जेंस है, जहाँ जहाँ पे स्पीड स्लो करनी पड़ रही है वहाँ पे वो हैजार्ड लाइट्स ऑन कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर वाली ड्राइविंग, कोई भी कमी उसमें नहीं थी। बाकी कंटिन्यू चले हुए 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, इसीलिए जो है ना हम एवरेज स्पीड 70-80 से भी ऊपर का मेंटेन कर पा रहे हैं बस में। ओके भी यहाँ पे जितनी एवरेज स्पीड है हमारी टॉप स्पीड उतनी है, तो डेफिनेटली अगर थोड़ा और टाइम बचाना है, बस ट्रैवल कल्चर को आगे लेके जाना है, तो 80 पे चलने पे तो नहीं होगा, डेफिनेटली इट शुड बी मिनिमम ऑफ 100 एट द हाईवेज वी आर मेकिंग राइट नाउ। यू नो जो टू लेन हाईवे है उस हिसाब से 80 ठीक है, मगर जो 6 लेन बेहतरीन हाईवेज आज बन रहे हैं इंडिया में, नागपुर मुंबई, फिर लखनऊ आगरा, फिर आपका पूर्वांचल, इन सब हाईवेज के लिए ना मिनिमम बस के लिए भी 100-110 किलोमीटर पर आवर की ज़रूरत है। आइए एक बार बस का वॉशरूम देख लेते हैं। अच्छा गाइस, शाम के जो है 4:15 हो रहे हैं, वेलकम टू जाकर्ता। अब मुझे पता नहीं बस एग्जैक्टली कहाँ जाएगी, क्योंकि मैंने होटल तो बुक करा लिया गंभीर के पास, गंभीर स्टेशन के पास, टाइम इज 4:34। सो पहुँच गए हैं पुलो गेबांग बस टर्मिनल पे, ये वन ऑफ द बिगेस्ट बस टर्मिनल है जाकार्ता में, एंड मुझे प्रोबेबली यहीं पे उतर जाना चाहिए था, गंभीर जाना है। सो आगे से पहले से प्लान नहीं किया था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आएगी, सो मैं कहीं राम भूतान करके जगह पे उतरूँगा, यहाँ पे उतर जाता ना तो मैं आराम से ट्रेन लेके चला जाता, अब थोड़ा रिग्रेट सा हो रहा है, बट खैर कोई नहीं, जितना टाइम मेरे पास अभी है थोड़ा सा एडिटिंग अपना कर लेता हूँ, आप एंजॉय करिए जाकार्ता सिटी का एक बेहतरीन टाइम लैप्स। सांसों को पंख दे जी। तो फिलहाल बज रहे हैं शाम के 5। अच्छा, यहाँ से बस जो है पोंडोंग पिनांग चली जाएगी, और मुझे अभी लग रहा है कि वहाँ जाने से सही होता। एक्चुअली बहुत सारा कन्फ्यूजन है, मतलब मैं कहीं का नहीं रहा, ना मैं पहले उतर पाया ना मैं बाद में जा पाया। अच्छा एनीवेज, क्या है कि यहाँ पे दिक्कत ऐसा है कि रेड बस पे जहाँ जहाँ पे लिस्टिंग करते हैं ना अलग अलग करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बोर्डिंग पॉइंट से ABC, आपके ड्रॉपिंग पॉइंट से DEF। मान लीजिए दिल्ली से आप 3 जगह से चढ़ रहे हैं, जयपुर में 3 जगह उतर है, तो ये लोग ऐसा करेंगे कि दिल्ली में जैसे कश्मीरी गेट से जयपुर के निम्स में, निम्स कॉलेज, वो एक अलग लिस्टिंग करेंगे, फिर मान लीजिए दिल्ली के इफ्को चौक से जयपुर के नारायण सिंह सर्कल तक दूसरी लिस्टिंग करेंगे, ऐसे करके जो अलग अलग लिस्टिंग करते हैं। तो मान लीजिए कि दिन में सर्विस मान लीजिए 2-3 होगी, पर एडवर्स पे आपको ऐसी सेम सर्विस 10-15 दिखेंगी, तो इसी वजह से मेरे को पता नहीं चल रहा कि ड्रॉपिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या है। और सच बताऊँ तो ये लिस्टिंग इतना अलग अलग करना कितना लीगल है वो मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यूनिकॉर्न इंदौर एंड की सर्विस एक नंबर थी, एक नंबर, इतनी अच्छी सर्विस अभी तक मेरे को नहीं मिला इंडोनेशिया में। इनका जो फेयर था उस हिसाब से दे वर द बेस्ट, इनका फेयर लगा मुझे 4 लाख इंडोनेशियन रुपया, मतलब लगभग आप मान लीजिए अराउंड 2200 या 2300 रुपये,
2200-2300 रुपये फॉर 600 किलोमीटर्स। तो इतना तो हम इंडिया में भी पे कर देते हैं। यहाँ पे आपको इतनी लग्जरी बस मिल रही है, फिर खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, स्नैक बॉक्स मिल रहा है, लंच मिल रहा है। हालांकि वो मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, मगर ठीक है। अच्छा, टीवी जो है अल्टीमेटली नहीं चला, तो टीवी का कोई फ़ायदा नहीं है। बस दिखाने के लिए एक डब्बा बिठा दिया, तो टीवी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी एवरीथिंग वॉज फिट एंड फाइन। पूछते हैं कि इंडिया में ऐसी बसें क्यों नहीं चलती, तो देखिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए ये फेयर तब हो पा रहा है जब डीजल के दाम हमारे से आधे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इंडिया में अगर ऐसी बस चली तो मेंटेन करने में, उसको ऑपरेट करने में, इस तरह से चलाने में कितनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। आपको मे बी यू नो दिल्ली से जयपुर के 4000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि फ़्लाइट से भी ज़्यादा है। दिल्ली से मनाली के मे बी 6-7 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। अल्टीमेटली देखो, लोग चाहते हैं कि बस काम चल जाए और अपन पैसे भी बचा लें। सो मेमोरी बहुत कम है, होटल जाके ब्लॉग एंड करूँगा, पर देखना ये कि यहाँ से होटल जाना कैसे है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ के ड्राइवर्स कितने बढ़िया है। एक भी लेन चेंज विदाउट इंडिकेटर नहीं है। फिर स्पीड लिमिट की बात मैं छोड़ देता हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे कितनी लिमिट है। कंटिन्यूसली 120 पकड़ के रखा एंड पावर मोड पे चला रहे थे। बेसिकली दो मोड्स होती है, पावर और इकोनॉमी। तो काफ़ी देर पहले देखा कि पावर मोड पे चल रही थी गाड़ी। पिकअप वगैरह इतना बढ़िया, मतलब वॉल्वो का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। यू नो वॉल्वो अच्छी भी नहीं लगती, इतनी महंगी गाड़ी लेके आप 80 पे चला रहे हो, जो कि एक आईचर टाटा लेलैंड भी जा सकती है। हाँ, आपका फ्यूल बच रहा है, आपके फ्यूल टारगेट मीट हो रहे हैं, वो सब मैं जानता हूँ। तो इस बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि हमें इतने स्लो क्यों है, मगर हाँ डेफिनेटली 100 इज़ अ गुड स्पीड फॉर द न्यू हाईवेज जो कि इंडिया में बन रहे हैं। 80 बहुत ही कम है एंड वॉल्वो को फैक्ट्री से 80 लॉक नहीं देनी चाहिए। एंड ड्राइवर्स वॉज सुपर अमेजिंग, सर्विस वॉज सुपर अमेजिंग। थैंक यू सो मच यूनिकॉर्न इंदोरेंट फॉर सच अ नाइस एक्सपीरियंस। सही में इट वॉज वर्थ इट। बाय द वे, अपन इस वाले बस टर्मिनल पे पहली बार आए हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज टर्मिनल बस KP रामबुतान एंड यहाँ पे सीनर जाया की बहुत बसें खड़ी है। इन इस कंपनी का भी नाम मैंने सुना है एंड देखते हैं इन फ्यूचर इनकी बसेस दिखा पाता हूँ कि नहीं। एंड यहाँ पे भी आई गेस मेट्रो वगैरह बन रही है, मगर अभी चालू नहीं है जितना मुझे लगता है, मैं वो भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे नियरेस्ट स्टेशन के लिए मैंने ग्रैब कर ली क्योंकि मोबाइल में चार्ज है नहीं, सूटकेस भी है तो मैंने ग्रैब कर ली। ट्रैफिक के हाल ऐसे है पूछो मत, 7 किलोमीटर आने में 45 मिनट लग गए। मुंबई ढाका सबको टक्कर दे रही है। बाकी मुझे याद ही नहीं रहा कि अभी ऑफिस टाइम है तो ट्रेन में क्राउड होगा। इससे अच्छा तो मैं पूरा ही कैब कर लेता, 700-800 रुपये शायद लगते होटल तक। यहाँ पे आई एम हियर एट तैनजुंग भारत स्टेशन एंड मैंने बस का कार्ड बनवाया था, वही लकीली चल रहा है। एक गलती यहाँ पे कर दी, मुझे याद नहीं रहा कि ट्रेन यहाँ पे ऑपोजिट साइड चलती, जैसे इस साइड जाने वाली है उस साइड आने वाली है। तो मेरा स्टेशन इस तरफ था तो मैं इधर खड़ा हो गया, बाकी ट्रेन आई नहीं, उल्टी तरफ से आई तो मैं घबरा गया। यहाँ पे सी द स्टेशन इज समथिंग लाइक दिस एंड उस साइड आ रही है बोगोर की ट्रेन, हमारी ट्रेन इधर आएगी, बट मैंने एक मिस कर दी तो काफ़ी टाइम रुकना पड़ेगा। कुछ ऐसी होती है यहाँ की ट्रेन, मतलब लोकल और मेट्रो के बीच में कुछ मान लीजिए। क्राउड देखिए आप ट्रेन में एंड ऑफिस बेसिकली जकार्ता में है, ये ट्रेन जा रही है थोड़ी आउटस्कर्ट्स में, तो लोग वहीं पे रहते होंगे इसलिए वहाँ उसमें भीड़ है, हमारी जो है खाली होंगी। ये आ गई है अपनी ट्रेन, ये आई है मांगराई की ट्रेन, तो बीच में इंटरचेंज करनी पड़ेगी। इसमें तो यार सोफा वोफा लग रखा है यार। यहाँ पे वी हैव रीच्ड मांगराई स्टेशन, बेसिकली यू नो राजीव चौक जैसा है, बहुत बड़ा स्टेशन है, मोस्ट प्रोबेबली दी लार्जेस्ट सबर्बन स्टेशन इन जकार्ता। एंड ये ट्रेन तो रिटर्न चली जाएगी बोगोर साइड, हमें उस प्लेटफॉर्म पर जाना है। चलिए फाइनली आ चुका हूँ होटल, दिस इज होटल लाइन एंड नियर बेडबग। आप इस होटल में ये सब बहुत मिल रहा है, पता नहीं क्या करूँ। यहाँ पे भी देखिए भरपूर जो है आपके बग्स है, और ये बेड ही देख लो कितना ज़्यादा गंदा है। खैर कुछ नहीं, इस वाले होटल में मैं दोबारा नहीं आऊँगा, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। याद रखें, तूफान आंधी बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।